आजमगढ़ मुबारकपुर पुरानी बस्ती में अंजुमन गौसिया के नेतृत्व में वैक्सीन का टीकाकरण लगाया गया, जिसमें भाजपा नेता अखिलेश सिंह द्वारा मास्क वितरण भी किया गया, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी सैयद नवाज आजमी, अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर सैयद नवाज और फजल खान जौहर अली, बदरुद्दीन महबूब आलम, परवेज अहमद आदि लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। और कोई लेडीज है? लेडीज खत्म हो गई। मैं अखिलेश कुमार सिंह, जिला प्रशासनिक संपर्क प्रमुख आजमगढ़। आज अली नगर के पुरानी बस्ती में मुबारकपुर में ये कोविड का टीकाकरण लग रहा है, क्या माध्यम आपका है या किस तरह से लगाया है? मेरा माध्यम यह है, इसमें कैंप लगवाने में मैं सहयोग किया। यहाँ सत्यानंद भाई पूरी तरह से मेहनत किए, उसमें मैं सहयोग किया कि यहाँ कैंप लगे और यहाँ के लोगों को टीकाकरण हो, यहाँ पर कोई बचे ना। इस तरह की पहले यहाँ सूचना भी दे दी गई थी कि कैंप इस दिन लगने वाला है, आप सभी लोग आ करके इसका लाभ उठाएं, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जनता से अपील क्या है इसके बारे में? जनता से अपील यह है कि हमारी सरकार यह चाह रही है कि भारत का एक भी बच्चा बिना वैक्सीन का न रहे। जो कोरोना है वो कोरोना अपने भारत से यहाँ अलविदा हो जाए, यहाँ पे कोरोना जैसी कोई बीमारी रह न जाए, ये हमारे सरकार की मंशा है और सभी वैक्सीनेशन सभी को हो जाए। लखनऊ में तीसरी लहर में 9 बच्चे एक काले से आ गए हैं, क्या मतलब आप यूपी में भी करो तीसरी लहर का असर संभावना पूरी है? संभावना ऐसी बन रही है जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि ऐसी संभावना में उत्तर प्रदेश या इस तरह की होने ना पाए। कहीं कहीं संक्रमण दिख रहा है जिसमें वह तैयारी के अनुसार उसके वो कार्रवाई हो रही है। शुक्रिया।